नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली जिले की तहसील सालोन के चौराहे पर, और यहां से हमें जाना है साकेत नगर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रायबरेली के बाद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मार्केट सालोन को ही माना जाता है। सालोन में आपको दैनिक जीवन में यूज होने वाली हर चीजें आसानी से मिल जाती है। थोड़ा आगे जाने पर हमारे लेफ्ट साइड में मौजूद है ऑटो स्टैंड, जहाँ से आप ऑटो से भी परसदेपुर और जायस जा सकते हैं। और भैया, आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, इस वक्त हम जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, उसे NH 931A के नाम से जाना जाता है। वही बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 55 किलोमीटर यानी कि 34 मील है। ये राजमार्ग यही सालोन से शुरू होकर जायस होते हुए जगदीशपुर और सालोन को आपस में जोड़ता है। तो शायद नगर पंचायत सालोन अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मुझे एक नीला सा बोर्ड दिख रहा है, एंडिंग पॉइंट है शायद ये सालोन का। और हमारे लेफ्ट साइड में अत्ता नगर का एक बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का। जी हाँ, अब लगभग हम लोग बाहर आ चुके हैं सालोन से, क्योंकि सालोन से जायस की दूरी लगभग 28 किलोमीटर और अमेठी 29 किलोमीटर और जगदीशपुर लगभग 55 किलोमीटर ही पड़ता है। सालोन में आज से 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा भीड़ होने लगती थी, इसीलिए सालोन के बाहर से ये फ्लाईओवर बनवाया गया, ताकि जो बड़ी गाड़ियां हैं यहीं से निकल जाएं रायबरेली और प्रतापगढ़ के लिए। लेकिन भैया, आज भी वहीं से जाती हैं बड़ी गाड़ियाँ, हमने कई बार देखा है, इसका यूज नहीं करते। और इस वक्त हम अली हसन के पुरवा पहुंच चुके हैं, साड़ा सदन। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं रतनपुर है, बड़ा रतनपुर है, और यहीं पर आरा मशीन भी है यहाँ की। जैसे ही आप रतनपुर क्रॉस करोगे, आपको गद्दीपुर दिखेगा, जहां पर ज्योति पब्लिक स्कूल है। जैसे ही आप गद्दीपुर क्रॉस करोगे, उसके बाद आपको बरवलिया का क्षेत्र मिलेगा। जस्ट बरवलिया क्रॉस होने के बाद आपको केशवापुर मिलेगा, जो कि नदी के जस्ट पास में ही है। तो फाइनली 7 किलोमीटर के सफर के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सई नदी के पुल पर। भैया जी, जैसे ही आप सई नदी क्रॉस करेंगे, आपको राइट साइड में एक ढाबा देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और उसके आगे थोड़ा और जाएंगे तो आपको आलू की मिल दिखाई देगी, जो कि हमारे सामने ही है। और आलू मिल के जस्ट सामने हमारे मौर्या भैया की दुकान है, जो कि गाड़ी बहुत अच्छी रिपेयर करते हैं। अगर आप परसदेपुर के आसपास से आते हैं तो आप यहाँ पर अपनी गाड़ी रिपेयर कराइए, काफी अच्छी करते हैं। बाकी हमारे राइट साइड में पेट्रोल पंप आप देख ही सकते हो। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं मटियरवा चौराहा।
ये रहा हमारा मटियरवा चौराहा। बाकी अगर आप परसदीपुर का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर यहां की वीडियो देख सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने एंडिंग पॉइंट साकेत नगर चौराहे पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।